झाबुआ जिले की ग्राम पंचायत बामनिया में रहने वाली एक महिला को किश्त में मोबाइल लेना भारी पड़ गया है। 1 जुलाई को 2,913 रुपए पहली किश्त बताई थी, वही राशि उपभोक्ता द्वारा अकाउंट में समय से पूर्व ही डालकर जमा रखी थी, परंतु कंपनी द्वारा बिना किसी सूचना की राशि में बढ़ोतरी कर 3,150 रुपए काटे, जिसमें करीब 15 रुपए कम पड़ गए, तो अकाउंट से 590 रुपए चार्ज लगाया गया है। कंपनी के इस रवैये से उपभोक्ता में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। जो आपको पेनल्टी लग रही है 15 रुपए कम थे, अगर ये जानकारी मेरे को 2-4 दिन पहले भी हो जाती, अगर वो मोबाइल वाले मेरे को बोल देते तो मैं डाल देती वो भी पैसे। इतने 3,000 ऊपर के मैंने डाले थे तो 15 रुपए 20 रुपए डालने में क्या जा रहा था मेरा। और मोबाइल वाले से बात कर ली मैंने तो वो मतलब बात करने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। क्या बोल रहे हैं वो लोग? बस ये कह रहे हैं कि मोबाइल लेने की ताकत, किस्त भरने की ताकत नहीं थी आपने, तो मोबाइल क्यों लिया आपने, मोबाइल मत लेते। इसकी समस्या का कोई निराकरण नहीं करा गया उनके द्वारा? बस कुछ भी नहीं, बस ये कह रहे हैं कि बस आपने आपकी गलती है। मैं बात करने के लिए गई थी कि भाई मेरे को पेनल्टी जो लगी है वो पैसे मेरे को वापस करो, तो मैं किस्त भरने के लिए तैयार हूँ। तो ये आपके अकाउंट से यही पैसा माइनस हो रहा है या वहाँ बजाज फाइनेंस में भी कुछ पैसे माइनस होंगे? हाँ, बजाज फाइनेंस में भी माइनस होंगे ना। अच्छा। उनके भी पेनल्टी है, 2-3 पेनल्टी उनकी भी कटेगी, तो करीब इसलिए मैं पैसे नहीं डाल रही हूँ अभी। तो ये करीब टोटल नुकसान कितना हो जाएगा? ये 2,000 से 3,000 का नुकसान होगा मेरा, केवल 15 रुपए के लिए। हाँ, 15 रुपए के लिए सिर्फ। अगर ये जानकारी मेरे को पहले ये दे देते, मेरे नंबर भी उनके पास में, अगर वो फोन लगा के भी मेरे को बोल देते तो मैं डाल देती। मैसेज भी आपको लेट आ रहा है? मैसेज 4 तारीख को आया मेरे पास, जबकि किस्त 2 तारीख को कटना थी। किस्त 2 तारीख को कटनी थी। ये किस्त कटने वाला मैसेज आपके पास कब आया? किस्त कटने वाला मैसेज 4 तारीख को आया। अगर मेरे पास में पहले आ जाता मैसेज, 1 तारीख के पहले भी आ जाता तो मैं पैसे बढ़ा के रख देती। अभी तक कितने कट गए आपके इसमें से अकाउंट में? अभी तक 590 कट चुके हैं और 500 रुपये और कटना है, और बजाज फाइनेंस की किस्त पेनल्टी वो भी बाकी है मेरी, वो भी कटेगी यूँ बोल रहे हैं। अच्छा, फाइनेंसर का क्या कहना है इस विषय में? फाइनेंसर का कहना है कि बस किस्त मतलब बरोबर ये पेनल्टी लग रही है, आपकी गलती है, मतलब गलती है मोबाइल वाले की, दुकान वाले की गलती है, उन्होंने मेरे को बरोबर बताया नहीं कि किस्त ऐसे आएगी, मतलब बढ़ के आएगी आपकी। तो आपको ये नहीं बताया गया था कि किस्त पहली किस्त बढ़ी हुई आएगी, बाकी 5 जो किस्त है वो कम ज्यादा हो सकती नहीं, है? नहीं, उसने यही बोला था कि 2913 रुपए किस्त आएगी आपकी, ये आपको भरना है। कितने महीने की किस्त है? 6 महीने की किस्त है। मैं किस्त पूरा किस्त के मोबाइल की किस्त के पैसे भरना चाहती हूँ, पेनल्टी के पैसे जो भी मेरे कटे है वो वापिस मेरे को चाहिए। 2,000 के ऊपर मैं 1-1 रुपया जमा करके और पैसे ये भर रही हूँ। क्या काम? पेनल्टी के पैसे मेरे पास आएंगे तो मैं किस्त भरूंगी, पिपन बनाती हूँ मैं। कौन से फाइनेंस से आपने फाइनेंस करवाया आपका मोबाइल? हिना मोबाइल से। हिना मोबाइल पिटलावर। पिटलावर। अच्छा, फाइनेंसर कौन सी? क्या नाम है आपका? संतोष सोलंकी। क्या समस्या है आपको? मोबाइल की किस्त की। अच्छा, कहाँ से मोबाइल खरीदा आपने? हिना मोबाइल। फाइनेंस करवाया उसको? हाँ, बजाज फाइनेंस। अच्छा, उसमें क्या दिक्कत आ रही है फाइनेंस से? किस्त भरनी थी जो 1 तारीख को कटनी थी वो नहीं कटी, और पेनल्टी पे पेनल्टी कट रही है मेरी। अभी तक कितनी पेनल्टी कट गई आपके मोबाइल से? अभी तक 590 दो बार कट गए, 1200, और एक बार और फोन लगा के बोला तो बोले एक बार और कटेगी किस्त मेरी। आपने फाइनेंस से संपर्क किया था? किया था। क्या बोला उन्होंने? भाई वो बोलते हैं कि बजाज फाइनेंस का जो पेनल्टी है वो नहीं कटेगी, और पूरा पैसा भर दो आप, मेरे पास पूरा पैसा है नहीं इसलिए मैंने नहीं भरा, इसलिए किस्त पे मैंने मोबाइल लिया। तो वो जो किस्त की रकम थी वो आपको बताई नहीं थी क्या? नहीं बताई थी उन्होंने, 2913 रुपए मेरे को बताई थी, वो मैंने 2913 की बजाय मैंने 3,000 के ऊपर पैसे मैंने मेरे खाते में डाले। 27 तारीख को मैंने खाते में पैसे डाल दिए थे, और मैसेज मेरे पास 4 तारीख को आ रहा है कि आपके 3,016 रुपये थे 59 रुपये। ठीक है, तो